हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल सौनरिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेकर के आई हूँ। ये है मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स। ये है उनकी एक्वा ग्लो विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड रेंज। ये उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च करी है, सो मैं इसे कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ। वीक हो गया होगा, एक हफ्ते से मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, इन चारों प्रोडक्ट्स को। देन ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू कर रही हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसे लगे। और मामा अर्थ ने कुछ अपनी पैकेजिंग और कलर सब चेंज कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, वो जब भी कोई नई रेंज लेकर के आते हैं, चाहे वो विटामिन सी हो या उपटन रेंज हो, उनकी पैकेजिंग चेंज हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके के स्काई ब्लू कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है सारे प्रोडक्ट। तो चलिए, वन बाय वन मैं आपको इन एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताती हूँ कि ये कैसे हैं, और इनकी पैकेजिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। सो चलिए, अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ये है फेस वॉश। ये है मामा अर्थ का एक्वा ग्लो फेस वॉश विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर इंटेंस हाइड्रेशन, जैसे कि इस पे मेंशन है। इसके अंदर कोई पैराबेंस नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, और ये 100 ml की क्वांटिटी है। और इसका प्राइस है फ्रेंड्स 399 rupees, और यूज़ बिफोर यहाँ मेंशन है। जैसे कि आप जानते हैं, मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है, और मेड इन इंडियन ब्रांड है। तो फ्रेंड्स, इस तरफ इसके इंग्रेडिएंट मेंशन है। इसके अंदर नियासिनामाइड है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, और भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नियासिनामाइड आपके स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है, और एक्ने मार्क्स को लाइट करता है, स्किन की डलनेस को रिमूव करता है, और स्किन को स्मूथ और अनइवन टेक्सचर देता है। सो इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को प्रोवाइड करता है और स्मूथ बनाता है, और काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन देता है। और इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, और जैसे कि आप जानते हैं, हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के अंदर वाटर को बाइंड करके रखता है, और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और फ्रेश और ग्लोइंग लुकिंग स्किन देता है। सो इसके अंदर ये काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा बेनिफिट देंगे, काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन देंगे, ग्लो देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा फेस वॉश। और चलिए, मैं आपको इसकी पैकेजिंग ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप की ट्यूब पैकेजिंग में है, और मामा अर्थ ने काफ़ी अच्छी पैकेजिंग इस बार लॉन्च करी है। कलर भी बहुत सुंदर है, और ये कुछ इस ब्रश के साथ आता है, ये इस तरह से ओपन होता है, और ये इसका ब्रश है, और ये ऐसे ओपन होता है और ये ऐसे क्लोज हो जाता है। इसके अंदर ये ब्रश है, इससे आप इजीली अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इससे अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप के ट्रांसपेरेंट जेल में आता है। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, कुछ कोई बीड्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल वाटर जेल जैसा है। सो फ्रेगनेंस की बात करें तो फ्रेगनेंस इसकी बहुत लाइट है, ऐसा मामा अर्थ के पुराने प्रोडक्ट्स की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लाइट फ्रेगनेंस है, एक्वा फ्रेगनेंस है, और अच्छी है, आपको इरिटेट नहीं करेगी। और इसमें मेंशन भी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी फ्रेगनेंस, इसके अंदर जो भी फ्रेगनेंस है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एलर्जिक नहीं करेगी वो फ्रेगनेंस, और बहुत ही हल्की और माइल्ड फ्रेगनेंस है इसके अंदर। जैसे मिंथॉल सोप आपने यूज़ किया होगा, कुछ उस टाइप की फ्रेगनेंस है। और फेस वॉश भी काफ़ी अच्छा है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, आप इजीली ट्रैवलिंग में से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्पिल नहीं होगा, बिकॉज़ ये लॉक हो जाता है। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन ऑयली ड्राई कोई भी टाइप की स्किन है, ये आपको सूट करने वाला है। मुझे ये फेस वॉश बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, स्किन को काफ़ी अच्छे से यू नो हाइड्रेट भी करता है, और ये बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है। हिमालयन थर्मल वाटर है, जो आपकी स्किन को यू नो किसी भी डैमेज से और किसी भी प्रॉब्लम से हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, जो इजीली हील करता है और अच्छा हाइड्रेशन देता है, ग्लो देता है, यूथफुल स्किन बनाता है।
सो इसके बैकअप साइड पे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है और डायरेक्शन दी गई है आपको इसको यूज़ करने की। और यहाँ पर मेंशन है ये स्किन को बूस्ट करता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, आफ्टर यूज़ ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसका पीएच लेवल बैलेंस्ड फ्री है और ये सल्फेट फ्री है। और इसे यूज़ करने के बाद आपके फेस में काफ़ी अच्छा कूलिंग सेंसेशन से होते हैं, काफ़ी फ्रेश फील होता है। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस फेस वॉश। मुझे ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा, आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सारे प्रोडक्ट की बाय लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो चलिए अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है इनका सिरम, ये है एक्वा ग्लो फेस सीरम। 30 ml ऑफ प्रोडक्ट है ये, हिमालयन थर्मल वाटर है एंड हैलोरोनिक एसिड है। इसमें मेंशन है ये 72 hours आपके फेस को हाइड्रेट रखता है, पैराबेन सिलिकॉन्स फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। इस साइट पे आपको डायरेक्शंस दी गई हैं आपको किस टाइप से इसे यूज़ करना है और टिप्स दी गई हैं हाइड्रेशन के लिए और सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। इसको 15 years से के अबव मैन वुमेन यूज़ कर सकते हैं। और इस साइड पे इसका प्राइस मेंशन है फ्रेंड्स, 699 rupees इसका प्राइस है। 30 ml ऑफ प्रोडक्ट के लिए 699 rupees थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। इस तरफ इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, हाइलोरोनिक एसिड है, कैस्टर ऑयल है और भी काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देंगे। सो इस पे मेंशन है कीप स्किन फ्रेश प्लम, प्रमोट स्किन सेल्स, टर्न्स रीस्टोर रेडियंट स्किन। सो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसके पैकेजिंग दिखाती हूँ ओपन करके कि ये कैसी है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप की पंप बॉटल में है और ये सीरम भी बहुत क्यूट पैकेजिंग के साथ है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है और कितनी स्टर्डी पैकेजिंग है। इस पे बैकअप साइड पे इंग्रेडिएंट्स आपको मेंशन हो जाएंगे सारे। ये इस तरीके की पंप बॉटल के साथ आता है, देखिए पंप है, आप इजीली इससे अपना प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ये सीरम है, इस सीरम के अंदर कुछ वाइट बॉल्स हैं जो जब भी हम पंप करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे सीरम के साथ आते हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है और छोटे छोटे वाइट डॉट हैं, वो वाइट डॉट जो इसके अंदर वाइट बॉल्स दिख रही हैं आपको, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं। सो सीरम की बात करें तो बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बिल्कुल जेल जैसे एलोवेरा आपको लगता है ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल उसी टाइप का है और काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन देता है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाता है। ये देखिए और काफ़ी हाइड्रेशन देता है, काफ़ी अच्छा हाइड्रेट बनाता है और स्मूथ हो जाती है स्किन, ऐसा लगता है जैसे एकदम स्मूथ स्मूथ स्किन होती है ना, एकदम सिलिकॉनी टाइप टेक्सचर है इसका, जैसे सिलिकॉन का होता है। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे डे में यूज़ करती हूँ, समटाइम्स नाइट में भी करती हूँ। मुझे एज सच इसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं दिखा, बाकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी देता है काफ़ी। अगर आप इसे नाइट में यूज़ करते हैं तो मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा हाइड्रेटेड रहता है आपका फेस, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती है, काफ़ी अच्छा ग्लो दिखता है फेस पे। और रेडियंट के बारे में मैं कुछ अभी नहीं कह सकती बिकॉज अभी इसे 1 week हुआ है मुझे यूज़ करते हुए, तो ऐसा कोई रेडियंट नहीं दिखा है मुझे, बट हाइड्रेशन बहुत अच्छी दी है और बहुत लाइट वेट है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ है। अगर आप ये मॉनसून टाइम है, अगर आप किसी अच्छे सीरम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन किसी भी टाइप की स्किन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सीरम, डेफिनेटली ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ये भी हैवी नहीं है, लाइट ही है। सो मुझे ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। आप चाहें तो इसे डे और नाइट कभी भी यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश यूज़ करने के बाद आप सीरम यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, अच्छा सीरम है। बट 699 rupees आई थिंक 30 ml ऑफ प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा बिकॉज ये सीरम कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं देता है, सिर्फ हाइड्रेट करता है और थोड़ा सा स्मूथ बनाता है, दैट्स इट। और मुझे कुछ ऐसा खास इसमें कुछ नहीं नज़र आया। सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है इनका एक्वा ग्लो जेल फेस मॉइस्चराइज़र और विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हैलोरोनिक एसिड, 100 ml ऑफ क्वांटिटी है। इस पे भी मेंशन है कि ये 72 hours आपके फेस को हाइड्रेट रखेगा, कोई पैराबेन सिलिकॉन्स नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है।
और यहाँ डायरेक्शंस दी गई हैं इसे यूज़ करने की और टिप्स दी गई हैं और सूटेबल फॉर बताया गया है। इस साइड इसका प्राइस दिया गया है 699 रुपीज़ इसका प्राइस है। मैन्युफैक्चरिंग दी गई है, यूज़ बिफोर दिया गया है और 100 ml ऑफ क्वांटिटी है फ्रेंड्स इसकी। ये लाइट वेट जेल फॉर्मूला है, डीपली हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को फ्रेश और प्लम बनाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर भी एलर्जिक फ्री फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही माइल्ड है। सारे ही प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ी सी मिंथॉल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस है और बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है, लाइट है, थोड़ी देर में आपके फेस से हट जाती है वो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो एज सच आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ अंदर से कैसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप के जार में है, ये ग्लास जार है, प्लास्टिक नहीं है। वाइट कलर की इसकी कैप है। अगर आपने न्यूट्रोजीना का फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है जेल वाला, आप समझ गए होंगे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कॉपी है, एग्जैक्ट सेम है। न्यूट्रोजीना का जो फेस मॉइस्चराइज़र है उसकी पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम ऐसी है, वाइट कैप है और काफ़ी सुंदर है, मतलब कलर बहुत प्यारा है और ग्लास बॉटल है। मामा अर्थ ने फर्स्ट टाइम अपना कोई मॉइस्चराइज़र या कोई भी सीरम कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ग्लास बॉटल में दिया है। मैं इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ बट अभी तक तो नहीं, बट मुझे ये पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी लगी। इस पे मेंशन है 72 आवर्स आपको हाइड्रेशन देता है। बैक ऑफ साइड पे बताया गया है लाइट वेट जेल फॉर्मूला के साथ है, आपकी स्किन को फ्रेश और प्लम दिखाता है। देन हिमालयन थर्मल वाटर के साथ है, हाइलुरोनिक एसिड के साथ है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, मैं आपको अपने हैंड पे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लाइट, एकदम लाइट कलर होता है, फुल लाइट स्काई कलर है। कैमरा में पता नहीं कैप्चर हो रहा है कि नहीं बट सामने देखने में बिल्कुल लाइट स्काई कलर लगता है और बिल्कुल जेल फॉर्मूला में है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। ये देखिए बिल्कुल एकदम स्किन में पता ही नहीं चलता कि है और बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में ये अब्सॉर्ब हो जाएगा और फ्रेग्रेंस भी इसकी चली जाती है। मुझे फेस सीरम से ज़्यादा मुझे मॉइस्चराइज़र अच्छा लगा बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छा है। इसकी कंसिस्टेंसी और इसका जो हाइड्रेशन पावर है वो बिल्कुल न्यूट्रोजीना के फेस मॉइस्चराइज़र की तरह है, आप कह सकते हैं एग्जैक्ट वैसा ही है और ये काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन देता है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मैं डेली यूज़ करती हूँ इसको। आई लव दिस मॉइस्चराइज़र, मैं नाइट में भी इसे यूज़ करती हूँ अपने सीरम यूज़ करने के बाद। मुझे मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा लगा, ये सारी स्किन टाइप को सूट करेगा, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली कॉम्बिनेशन, डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी हाइड्रेशन देगा और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। गर्मियों में और मॉनसून के टाइम पे वैसे भी हमें लाइट वेट मॉइस्चराइज़र पसंद है तो ये डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। आई हाईली रिकमेंड दिस मॉइस्चराइज़र एंड दिस फेस वॉश, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं इस रेंज में से। वैसे तो इनकी सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं इस बार जो मामा अर्थ ने लॉन्च किए हैं, बट आई लव दिस फेस वॉश एंड दिस मॉइस्चराइज़र। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं फॉर ऑल स्किन टाइप। चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन है स्टिल आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत अच्छी हाइड्रेशन देगा। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट प्रोडक्ट है इनका, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है इनका ग्लो एक्वा ग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल और विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड। 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है, SPF 50 के साथ आता है और PA++++ है इसमें, फॉर सन प्रोटेक्शन एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। ये आपके इस पे मेंशन है कि ये आपको सन प्रोटेक्शन और ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और पैराबेन सिलिकॉन्स फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। और यहाँ डायरेक्शन दी गई हैं फ्रेंड्स यूज़ करने के लिए और टिप्स दी गई हैं और यहाँ सूटेबल फॉर बताया गया है, 15 ईयर से अबव के मैन वुमेन इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका प्राइस है 399 रुपीज़ और 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है। मुझे 399 रुपीज़ 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट
ठीक लगा, ओके है। एक सनस्क्रीन के लिए 399 रुपीज़ इज़ ओके। और इस साइट पे बताया गया है अल्ट्रा लाइट एंड हाइड्रेटिंग फॉर्मूला के साथ है, फाइट करता है यूवीए एंड यूवीबी रेस से, प्रोटेक्ट करता है आपको ब्लू लाइट से। सो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ मेंशन हैं, आप देख सकते हैं। और पैकेजिंग भी छोटी है, कुछ ऐसी बड़ी नहीं है। सो चलिए मैं आपको ओपन करके अंदर से दिखाती हूँ ये सनस्क्रीन कैसी लगती है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप के छोटे से ट्यूब में है, एक ट्यूब है, और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, बट हाँ मेरे हाथों में इजीली आ जा रही है। सो ये SPF 50 के साथ है और आपको UVA और UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करेगी। और फ्रेंड्स ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला के साथ है, आप इसे अपने मेकअप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एलर्जिक फ्री फ्रेग्रेंस के साथ मिलती है, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी और काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन भी देती है। और SPF 50 के साथ है सो आपको काफ़ी अच्छा SPF मिल रहा है। सो चलिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। सबसे पहले कुछ इस टाइप के नोब काइंड ऑफ है इसमें, जिससे कि आप इजीली अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ वाइट कलर के लोशनी काइंड ऑफ टेक्सचर में है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, जैसे एक लोशन होता है, कुछ उस टाइप की कंसिस्टेंसी है इसकी। और ये भी बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है ये सनस्क्रीन, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, ये देखिए इसने बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ी है और बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है। ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, किसी भी टाइप की स्किन है, ये सनस्क्रीन आपको सूट करेगी। बिकॉज़ ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है और इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। आप इसे अपने मेकअप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेग्रेंस इसके अंदर बिल्कुल लाइट है, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है। और मुझे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही हल्की हल्की सी खुशबू है। वरना आप जानते हैं कि मामा अर्थ के और भी जितने प्रोडक्ट्स हैं वाइटामिन सी और उपटन रेंज वगैरह में, उनमें फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी थोड़ा थोड़े टाइम तक स्टे करती है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगती है। बट इनके अंदर ऐसी बिल्कुल भी फ्रेगनेंस नहीं है, बहुत ही लाइट फ्रेगनेंस है और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आप ये सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड दिस सनस्क्रीन, मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी SPF के साथ भी है और बहुत लाइट वेट भी है, देखिए। और बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं, एकदम स्मूथ कर दिया इसने मेरे बेस को। इजीली मेकअप में आप यूज़ कर सकते हैं, यूजुअली हम मेकअप के नीचे सनस्क्रीन नहीं लगा पाते हैं, बट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मामा अर्थ की ये एक्वा ग्लो फुल रेंज मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें से मैं आपको जो रेकमेंड करती हूँ वो ये तीन प्रोडक्ट हैं। फेस सीरम मुझे ऐसा कुछ इतना पसंद नहीं आया है, बट ये तीनों प्रोडक्ट मैं आपको हाईली रेकमेंड कर सकती हूँ, ये तीनों बहुत अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट भी हैं और अच्छे लगे हैं। सो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ गाइज, एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी और प्रोडक्ट पे या किसी न्यू प्रोडक्ट पे रिव्यू देखना चाहते हैं या चाहते हैं मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करूं, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।